मौसम ना खराब होता जा रहा है और अब इधर ना डर भी लगने लग गई क्योंकि तो ये हमारी दीदी लोग हैं आज पहुंच रहे हैं हमारे ब्लॉगर साहब और यहाँ पे आ चुकी है गर्मा गर्म चाय और वो पहाड़ी क्या जिसने चाय ना पी हो। हैप्पी बर्थडे डियर तन्नु पवार, एक दो तीन चार, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब, फैला दो वीडियो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल तन्नु पवार एक दो तीन चार ब्लॉग्स में। और आज के ब्लॉग की शुरुआत सुबह के 8 बजे से हो रही है और जैसे कि आज मैं आपको बहुत ही खुश दिखाई दे रही होंगी क्योंकि आज है मेरा बर्थडे। तो बोलो मुझे हैप्पी बर्थडे टू मी। तो आप ऐसे बोलो हैप्पी बर्थडे टू यू, पर मैं खुद ही को विश कर रही हूँ तो हैप्पी बर्थडे टू मी, ठीक है। और आज मैं जा रही हूँ अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। बट मेरे बर्थडे के दिन हमेशा भगवान जी पता नहीं क्या ही करते हैं, हर बार, पिछली बार भी, उससे पहली बार भी, हर टाइम बारिश ही रहती है इस समय और आज भी बारिश है। पहले तो मैं सोच रही थी कि ना जाऊँ बट फिर सबको बोल दिया है तो अच्छा नहीं लगता लास्ट टाइम में कैंसिल करना। और एक बात मैं कहना चाहूँगी, पता है आज क्या हुआ? रात को 12 बजे आया सोनू का कॉल। जो लोग मुझसे जुड़े होंगे वो जानते होंगे सोनू कौन है, तो उन्होंने मुझे हैप्पी बर्थडे विश किया। तो मुझे ऐसा था कि कुछ कुछ लोग तो मुझे 12 बजे में विश करेंगे ही करेंगे, चलो एक कॉल तो आ गया, उनसे तो उम्मीद थी तो वो तो आ गया था। बट उसके बाद मैं देख रही थी, मैंने जैसे ही व्हाट्सअप खोला देखा वहाँ पर एक भी इंसान ऐसा नहीं था जिसने मुझे बर्थडे विश 12 बजे किया हो। और मुझे इतना बुरा लग रहा था ना उस टाइम पर, बट फिर मैंने बोला छोड़ यार क्या ही बुरा लगना, मैं भी तो किसी के बर्थडे में भी नहीं उठती, तो चलो कोई बात नहीं। और अब चलते हैं हम सीधे पौड़ी और पौड़ी में आज अपना बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। तो मम्मी से पूछते हैं कि मैं इतनी बुढ़ी हो गई तो मम्मी को कैसा लग रहा है। तो यहाँ पे मम्मी काम कर रही है थोड़ा, तो मम्मी बताओ मैं बुढ़ी हो गई कैसी लग रहा है आपको, बताओ। हैप्पी बर्थडे टू मी बोल। तो वैसे में इन्होंने मुझसे सुबह से विश नहीं किया, चलो, पर मैंने वीडियो में बुला ही दिया है। और अब मैं चलती हूँ सीधे पौड़ी और पौड़ी में मिलते हैं आप लोगों से। तो दोस्तों भगवान जी की पूजा कर दी है मैंने, भगवान जी की पूजा करनी भी ज़रूरी है। और निकल चुकी हूँ मैं घर से, बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही दोस्तों, पता नहीं क्या ही होगा आज, कैसे ही करेंगे हम पार्टी। फाइनली पौड़ी कंडोलिया में पहुंच चुके हैं और बारिश और भी ज़्यादा भयंकर लग चुकी है। एक बार दिखाते हैं कि कैसा हो रखा मौसम। देखिए ना आगे कुछ दिखाई दे रहा है ना कोई कुछ इधर दिखाई, यहाँ तो थोड़ा बहुत दिखाई भी दे रहा है इधर साइड, बट इधर देख सकते हैं आप, इधर आपको कुछ भी नहीं दिखाई देगा, इतना भयंकर मौसम। पता नहीं भगवान जी मेरे साथ ही ऐसा क्यों करते हैं, हर टाइम जिस दिन मेरा बर्थडे होता है, हमारा कुछ प्लान बना होता है, उस दिन कुछ ना कुछ हो ही जाता है। और देखते हैं, और यहाँ पे मेरे साथ भीगू ना अपने कहाँ जा रही थी भीगू तू? मैं अपनी दीदी के गांव जा रही हूँ। हाँ तो ये अपनी दीदी के यहाँ जा रही थी और जो मेरी दोस्त थी ना उसने लास्ट टाइम पे मना कर दिया, बेटा देखूंगी तुझे बाद में, कोई बात नहीं। तो तब मैंने भीगू को बोल दिया अपने साथ रुकने के लिए, तो भीगू अभी मेरे साथ रहेगी जब तक दीदी लोग आते हैं। कुछ दीदी लोग नीचे सामान मार्केट गए हैं अभी और एक दीदी अभी हमारी आने वाली है, सबसे मुलाकात कराएंगे। और आज इसके अलावा हम जितने भी लोग मिलेंगे हम सारे ब्लॉगर ही हैं, मतलब छोटे वाले और एक बड़ी वाली ब्लॉगर हैं हमारे साथ दीदी बस। और अभी उनका इंतज़ार करते हैं, तब तक मैं थोड़ा रील बना लेती हूँ, ठीक है दोस्तों। तब मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद, तब तक ले बाय। तो दोस्तों सीधे मुलाकात 10 बजे हो रही है और 10 बजे मतलब 2 घंटे से लगातार इंतज़ार कर रहे हैं और मौसम ना ख़राब होता जा रहा है और अब इधर ना डर भी लगने लग गई क्योंकि ना ही इधर कोई लोग दिखाई दे रहे हैं और कोहरा अलग और बारिश भी ना, हम यहाँ छतरी के नीचे खड़े हो रखे थे तो यहाँ भी अंदर भी बारिश आने लग गई, तो अब तो और ज़्यादा डर डर लग रही है। और भीगू बोल रही है उधर चलते हैं हम दोनों, बट उधर भी कुछ बैठने का ठिकाना नहीं है, बेकार ही आए हम, मेरा तो दिमाग ख़राब हो गया। और जो मेरी दोस्त ने बोला था ना वो नहीं आई तो उसने ठीक किया, अब तो मुझे ऐसे लग रहा है और बहुत बुरा लग रहा है, मैं क्यों ही आई होंगी, काश मैंने मम्मी का कहना मान लिया होता। बर को कन काटा लगी ना तो हम बहुत परेशान हो गए बारिश के चक्कर में, हम बहुत रो रहे हैं आज, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही।
दगड़ियों बड़ी पर कल लगे आई अगर अच्छा छोड़ भी आ गया आई और ना बहुत बड़ा झरना आ गया। अभी बताते हैं ऐसा लग रहा है कि अब तो हम पता नहीं बचेंगे कि नहीं बचेंगे, कहाँ जाएंगे हम दगड़ों के वालों। हॉर्न भी नहीं मनु यार, इस गाड़ी वाले ने हमें ठोक दिया था, ना ही हॉर्न बचा रहा है, इतनी तेज चल रहा है ये भी कोई, और वैसे भी बारिश में सुनाई भी नहीं दे रहा। और पूरे 3 घंटे इंतजार करने के बाद पहुंच रहे हैं हमारे ब्लॉगर साहब। हाँ, और अभी ये थोड़ा पैर पूर धो रहे हैं क्योंकि तो जो हमने आपको बोला था बड़ी ब्लॉगर, तो दीदी है हमारे साथ, तो दीदी भी पहुंच चुकी है। खाली खाली बेइज्जती मार रही है मेरी। नहीं दोस्तों, बेइज्जती की बात नहीं है। और अभी एक और दीदी आने वाली है और मेरा कैमरा ना थोड़ा ख़राब सा है, तो अंदर तो बिल्कुल अच्छी नहीं आ रही। कभी जब बाहर जाएंगे ना तो तब बनाएंगे थोड़ा सही वाली वीडियो। और अभी एक दीदी का इंतज़ार हो रहा है, उनको आने देते हैं। कब्बू भी मेरे साथ परेशान हो गई इतने टाइम से, पूरे 3 घंटे वेट किया, तो इसके बर्थडे के दिन सताना ज़रूरी है। तो यहाँ पे दीदी पहुँच चुकी है और दीदी ने सबसे ज़्यादा मेहनत की है, 2 केक अकेले दीदी लेके आई और सामान भी नीचे से बारिश में भीगी पूरी यहाँ। तो यहाँ पे मेरा ब्लॉग भी चल रहा है और साथ में इधर दिखा बाबू, ये 2 ब्लॉग और बन रहे हैं। तो अभी मैं अपना केक ओपन करती हूँ क्योंकि ये लोग तो ब्लॉग बनाने में व्यस्त हैं और मेरा ब्लॉग बना रही है बाबू। तो अब जरा मैं ना इस केक को खोल लेती हूँ। हमें एक अच्छा सा स्टिकर भी मिला है हैप्पी बर्थडे का, और उस भैया ने ना यहाँ पे वो लगा दिया था, क्या बोलते हैं इसको, टेप, तो ये फट चुका है। तो भैया ध्यान रखें आगे से ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। वाह दोस्तों, इसमें मेरा नाम भी लिखा है, देखो देखो क्यों ये देखो तन्नु, 1 2 3 4 ब्लॉग्स भी करा देते जरा इसे। तो ये मेरा बर्थडे का केक है, तो अच्छा लग रहा है मुझे। तो दोस्तों मैंने इसको काट दिया है, तो भगवान इसकी तरह मेरी जिंदगी को मत काटना। ब्लॉगर दीदी आ रही है और ब्लॉगर दीदी को खिलाया जाएगा दूसरी वाली। अरे पहले पहली वाली ब्लॉगर दीदी का तो इंट्रोडक्शन ही नहीं कराया हमने। खा दे था। और ये कब्बू बहुत मेहनत की इसने मेरे साथ रुकने में, वैसे ये सब की बहुत हेल्प करती है ना। तो इन सभी दीदी लोगों को मेरे तरफ से ढेर सारी धन्यवाद क्योंकि ये मेरे बर्थडे में आए और मेरे बर्थडे को इतना स्पेशल बनाया। और अब ना हम जल्द जल्द केक खाते हैं और उसके बाद मिलते हैं आप लोगों से। तो अभी दीदी लोग ऑर्डर देंगे जो भी उनको खाना होगा। तो ये वाली दीदी और कब्बू खाएंगे क्या थुप्पा, और दीदी पिएगी सूप और मैं तो कुछ नहीं खाऊंगी। तो आप लोग ना कभी आओगे तो महक में थुप्पा खाने जरूर आना, यहाँ बहुत अच्छा थुप्पा बनता है। दीदी हमारे लिए देखो हलवा भी लेके आई है, कैसे बनाया है। तो अभी हम ओमी तेल भी भेज रहे हैं केक, और तो यहाँ पे भपड़ा भपड़ी मच चुकी है केक की, और केक की हालत देख सकते हैं आप। हाँ, और ना हमारी हम लोगों की एक बहुत अच्छी आदत है, हम कभी भी वेस्ट नहीं करते, हम पूरा खाते हैं। और ये वाला ओमी के लिए है और ये वाला हमने चट्टा चट्टी मचा दी है यहाँ पे देखो। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कैसे चट्टा चट्टी मची हुई है, है। देख आ चुका है पार्टी का सामान, और ये मेरा सूप, ये दीदी का सूप है, हमें मोटा भी डर लगता है। और ये
थप्पा है। देखो मैं ना दो दो ब्लॉगिंग कर रही हूँ, एक यहाँ पे और एक दीदी चल रही वहाँ पे ब्लॉगिंग करने के लिए और एक मेरा चल रहा है। और यहाँ पे आ चुकी है गर्मा गर्म चाय, और वो पहाड़ी क्या जिसने चाय ना पी हो इस बारिश में। ये दीदी के लिए कहना की दूसरी दीदी के लिए और ये तीसरी दीदी के लिए। तो यहाँ पे काफी सारा तो यहाँ पे हमने खा लिया है, पी लिया है और अब हम निकल रहे हैं ऊपर के लिए। मैंने कुछ खाया नहीं था। था। तो चलो चलते हैं दोस्तों, और थोड़ा ऊपर में भी बनाएंगे वीडियो, तो बताते रहेंगे जो जो होता रहेगा। निकल पड़े हैं अपनी मंजिल की ओर, देखते हैं मुसाफिर कहाँ ले जाता है मुसाफिर हमें। यहाँ भी देखिए ब्लॉगिंग, नीचे भी ब्लॉगिंग। तो अब हम कंडोलिया पहुंच चुके हैं और एक कॉमेडी वीडियो दीदी बना रही है, तो दीदी के ब्लॉग में जाके जरूर वो कॉमेडी वीडियो देखें, आपको बहुत मजा आएगा, है ना दीदी? ओमीज उत्तराखंडी ब्लॉग। और दीदी का चैनल का मैंने अपने चैनल में वो नहीं किया, तो ये जो दीदी है ना इनके चैनल का नाम है पिंकी नेगी असवाल, ये भी हमारे इधर के हैं, तो इनको भी खूब सारा प्यार और सपोर्ट करना। खूब सारा भी नहीं, इनको भी थोड़ा सा कर देना। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे वीडियो बन चुका है और अब हम करेंगे गाड़ी का इंतजार, देखते हैं गाड़ी कब तक आती है। और मुझे लग रहा है आ गई गाड़ी। तो दोस्तों यहाँ पे दीदी भी जाने लग गई है, और दीदी कुछ बोलना चाहोगे आप? तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि तन्नु को बहुत सारा प्यार दें और इसके साथ साथ हमें भी दें और इसके उज्ज्वल भविष्य की कामना करें। तब के लिए बाय बाय बाय। और यहाँ पे दीदी से भी, दीदी आप भी बोल दो कुछ। क्या बोल, दीदी भी ना मेरे साथ घर तक जाएगी, बट ये ब्लॉग मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ, इसलिए पहले दीदी। हाँ ठीक है, हम तो एक ही दगड़ा एक ही रोड़ा चाम। और घर में मैं दूसरा ब्लॉग बनाऊंगी और दीदी मेरे घर से दूसरी वाली थोड़ा सा आगे जाएगी, मैंने घर में ही तो इस कुछ बोल लो दीदी। क्या बोल यार, कुछ नहीं बोला नहीं। तो चलो तो दोस्तों मुझे भी सपोर्ट करना, ठीक है? तो और चलते हैं और इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, कल मिलेंगे नए दिन के साथ नई वीडियो के साथ। तब तक लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब, फैला दो वीडियो।